नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। ठीक है, चलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख रहे थे। ठीक है, वर्ब कैसे चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से। टोटल इसमें 11 कॉन्सेप्ट्स हैं, 11 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। 3 कल देख चुके थे, बाकी का 8 आज देखेंगे। 3 को एक बार रिवाइज कराता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप नहीं किए होंगे। ठीक है, पहला कंसेप्ट देखो, एंड का यूज। एंड का यूज होता है तो ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब। ठीक है, आर इज और आर में, आर हैज और हैव में हैव, मतलब प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। प्लूरल वर्ब बोल लो या हेल्पिंग वर्ब बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर एंड के साथ कोई वर्ड्स कनेक्टेड रहें ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब। लेकिन एंड से कनेक्ट होने के बावजूद अगर वो एक सिंगल यूनिट के रूप में काम कर रहे होंगे, सिंगल यूनिट के रूप में काम कर रहे होंगे तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ये चीज देखे थे, जैसे देखो राम एंड मोहन आर गुड फ्रेंड्स, एंड के साथ कनेक्ट हो गए, अब वो प्लूरल बन गए, आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, ब्रेड एंड बटर डैश अवेलेबल एट हिज शॉप, उसके दुकान में ब्रेड भी अवेलेबल होगा, बटर भी अवेलेबल होगा, तो आर अवेलेबल। लेकिन इसी को हम एक सिंगल यूनिट बता दे, जैसे ब्रेड एंड बटर डैश हिज डेली ब्रेकफास्ट, उसका डेली का ब्रेड एंड बटर ही ब्रेकफास्ट रहता है, खाना है। अब वहां पे वो ब्रेड एंड बटर को एक सिंगल यूनिट के रूप में खाएगा एक साथ लगा के। ठीक है, तो ब्रेड एंड बटर इज हिज डेली ब्रेकफास्ट। ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। जब हम दो शब्दों को एंड से कनेक्ट करते हैं तो वह प्लूरल होता है, लेकिन अगर वो एक ही चीज को रिप्रेजेंट करे, एक ही चीज को पॉइंट आउट करे तो वो सिंगुलर होता है। ठीक है, और उदाहरण देखे थे, द हॉर्स एंड कैरिज डैश एट द डोर। ठीक है, इज एट द डोर, इज और आर लगाना हो क्यों? वहां पे घोड़ा और गाड़ी दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है, घोड़ा गाड़ी। ठीक है, तो हॉर्स एंड कैरेज इज एट द डोर। फायर एंड वाटर डैश एग्री, डू नॉट की डज नॉट अगर मेरे को लगाना हो तो यहाँ पे क्या आएगा? देखो फायर एंड वाटर दोनों एक साथ नहीं हो सकते, अगर थोड़ा सा सेंस लगाओगे तो एक साथ कभी नहीं हो सकते, तो यहाँ पे ये प्लूरल के रूप में काम करेगा, तो डू नॉट। ठीक है, डू नॉट, डू नॉट और डज नॉट में प्लूरल कौन सा है? डू नॉट, ना कि डज नॉट। ऐसा मत कर देना, डज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो इसको प्लूरल मान लिए, नहीं। वर्ब में जहां भी एस लगा हो वो क्या होगा? सिंगुलर, और जिसमें एस नहीं लगा हो प्लूरल। नाउन में जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, ये चीज पहले भी बता चुका हूँ। राइस एंड करी डैश प्रिपेयर्ड बाय हिज मदर, तो उसकी माँ जो है पहले चावल अलग बनाएगी, सब्जी अलग बनाएगी। ठीक है, तो ये प्लूरल हो गया आर, लेकिन आप जब खाओगे तो दोनों को सान के खाओगे। राइस एंड करी इज हिज फेवरेट में। ठीक है, इसी कंसेप्ट को बताया गया है। एक और चीज देखिए, व्हेन जब दो सब्जेक्ट्स हैं एंड से जुड़ा हो तो देखो सेकंड वाले जो सब्जेक्ट है उसके पीछे अगर आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, मतलब वो रिप्रेजेंट कर रहा है पहला ही जो बता गया है माई फ्रेंड एंड फिलोसोफर, मतलब वो एक ही पर्सन है, लेकिन यहाँ पे माई फ्रेंड एंड अ फिलोसोफर बोला, इस फिलोसोफर के पहले आर्टिकल लगा है, मतलब ये फिलोसोफर कोई अलग है, ए फिलोसोफर, द फिलोसोफर, ऐसा है। ठीक है, तो माई फ्रेंड एंड फिलोसोफर मतलब दोस्त और फिलोसोफर एक ही है। ठीक, तो हैज लगेगा, हैव लगेगा, यहाँ पे ये सिंगुलर रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये क्या लगेगा? हैज कम, माई फ्रेंड एंड अ फिलोसोफर हैज कम की हैव कम, यहाँ पे हैव कम। ठीक है, रेड एंड ब्लू बॉल, यहाँ पे देखो ब्लू के पीछे कोई आर्टिकल नहीं लगा है, मतलब वो रेड और ब्लू दोनों मिक्स हैं। ठीक है, डायग्राम भी बना दिया समझाने के लिए, रेड एंड ब्लू बॉल मतलब एक ही बॉल का हिस्सा है रेड और ब्लू भी, तो वहाँ पे इज लगेगा, आर लगेगा, इज देयर इन माई पर्स, लेकिन अ रेड एंड अ ब्लू बॉल मतलब रेड बॉल अलग होगा, ब्लू बॉल अलग होगा। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट क्या देखें, जब किसी दो सब्जेक्ट किससे कनेक्टेड रहे, और से, एदर से, नेदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये पहले कहीं ना कहीं ग्रामर रूल्स में देख चुके होंगे, ये फिर से रिविजन हो रहा है, हर एक रूल देख चुके हो,
बट इस सब्जेक्ट के अंतर्गत फिर से रिवाइज कर रहे हैं, कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये भी देख चुके हैं बट फिर भी इस पार्ट में दोबारा देखेंगे एदर और नेदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो। पिछले जब रूल्स भी बता रहा था तब भी मैं बोला था ये जो पेयर वाले सेंटेंस होते हैं इसको कंजक्शन के अंदर पड़े हैं एदर और, या तो ये या तो ये, या तो मैं कॉमर्स लूंगा या मैथ्स लूंगा, ठीक है, तो आई विल चूज एदर कॉमर्स और मैथ्स, नेदर कॉमर नॉर मैथ्स, इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं कंजक्शन होते हैं। अब इसमें जो वर्ब होता है किससे एग्री करता है, किसके हिसाब से लगाते हैं, उस टाइम बताया था सेकंड पार्ट से है ना, किताबों में लिखा होता है नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से, तो नियरेस्ट हो या सेकंड हो एक ही मतलब है, वर्ब आगे ही लगेगा मतलब राइट साइड ही लगेगा। जैसे देखो नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट डैश इज ऑल्सो हैप्पी और या फिर आर ऑल्सो हैप्पी, अगर यहाँ पे चूज करना हो इज ऑल्सो, ये हो गया वर्ब, नॉट ओनली बट ऑल्सो लग गया, तो मैं क्या बताया था या तो सेकेंड वाला पार्ट बोल लो या इसके नियरेस्ट, इसके नियरेस्ट मतलब हमेशा सेकेंड ही होगा, तो सेकेंड वाले सब्जेक्ट के हिसाब से ये इज या आर लगेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, स्टूडेंट्स होता तो प्लूरल होता, स्टूडेंट है सिंगुलर है, इज ऑल्सो है। एदर राम और हिज फ्रेंड्स डैश कमिंग टूडे, इधर और के साथ जुड़ गया, मैंने बोला था या तो सेकेंड पार्ट बोल लो या ये जो यहाँ पे वर्ब लगना है उसके नियरेस्ट सेकेंड ही हुआ, तो हिज फ्रेंड्स है आर लगेगा, राम होता तो इज लग जाता, इसी को चेंज कर दूं मैं, हिज फ्रेंड को इधर लिख दूं और राम को इधर लिख दूं तो इज कमिंग हो जाएगा, अभी फ्रेंड्स है तो आर कमिंग। एदर द बियर्स और द लायन हैज एस्केप्ड फ्रॉम द जू, हैज की हैव, हैज में एस लगा है मतलब ये सिंगुलर होगा, हैव प्लूरल होगा, ठीक है, नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है लायन, और लायन सिंगुलर है प्लूरल है, नॉट ओनली, ऐसे ये एग्जाम्पल्स भी थे। कंसेप्ट थ्री, ये अच्छे कंसेप्ट से देखो, एज वेल एज अलॉन्ग विथ, विथ नॉट, अनलाइक, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू इट, ये सारे वर्ड्स थे, और आगे और भी कुछ देखे थे, accompanied by, ये सारे शब्द लगे हों और ये शब्द कहीं ना कहीं दो सब्जेक्ट को जोड़े और जोड़े गई, ठीक है, दो सब्जेक्ट को जोड़े, तो इसमें कौन से सब्जेक्ट के अनुसार हमको वर्ब लेना है, पहले वाले के साथ, ठीक है, ध्यान रखना पहले वाले, एदर और नेदर नॉर में दूसरे वाले को ले लेते, ये सारे शब्द के साथ अगर कोई दो सब्जेक्ट जुड़े हो तो पहले वाले के साथ लेना है, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल, राम अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स डैश गोइंग टू द पार्टी, आर गोइंग टू द पार्टी, इज गोइंग टू द पार्टी, आपको शब्द दिख गया अलॉन्ग विथ, तो पहले सब्जेक्ट के हिसाब से लोगे, पहले सब्जेक्ट में कौन है, राम, ना कि हिज फ्रेंड्स, पहले सब्जेक्ट में राम है, इज गोइंग टू द चाइल्ड, अनलाइक हिज ब्रदर्स, इज डिसेंट की आर डिसेंट, अनलाइक लग गया, पहले सब्जेक्ट द चाइल्ड, चाइल्ड सिंगल सिंगुलर, इज द प्रिंसिपल एकम्पनीड बाई द टीचर एंटरिंग द क्लास, इज एंटरिंग, आर एंटरिंग, एकम्पनीड बाई, पहला सब्जेक्ट के हिसाब से इज द चाइल्ड नॉट हिज पेरेंट्स डैश गिल्टी, नॉट वाला वर्ड लग गया, पहले सब्जेक्ट के हिसाब से इज, ठीक है, तो यही नियम को वापस लिखा हुआ है। अब देखो हेल्पिंग वर्ब ना लेके कोई मेन वर्ब लेते हैं, जॉन एज वेल एज मैरी वॉन्ट्स टू ड्रॉप द कोर्स, वॉन्ट की वॉन्ट्स, यहाँ पे देखो एस लगा हुआ है जिसमें मैंने बोला वर्ब में अगर एस लग जाए तो वो सिंगुलर हो जाता है, जैसे डू डज में डज सिंगुलर है, हैज हैव में हैज सिंगुलर है, वैसे रन और रन्स में रन्स सिंगुलर है, जिसमें एस लग जाता है वो सिंगुलर हो जाता है, जॉन एज वेल एज मैरी, अब एज वेल एज लिख दिया, पहला सब्जेक्ट कौन है, जॉन, और जॉन एक ही जॉन है, एक ही व्यक्ति है, मतलब सिंगुलर है, तो क्या लगेगा, सिंगुलर नाउन लगेगा, ठीक है, सिंगुलर नाउन मतलब वॉन्ट्स, ना कि वॉन्ट। राम एज वेल इज हिज फ्रेंड्स, एज वेल लग गया, राम कीप्स आस्किंग मी मेनी क्वेश्चंस, कीप की कीप्स कीप्स, क्योंकि एस लगा मतलब सिंगुलर है, ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स देख चुके थे, आगे बढ़ते हैं चौथा कंसेप्ट में, ये कंसेप्ट भी, ये रूल भी पहले देख चुके हैं, है ना, प्रोनाउन में पढ़े होंगे, ईच एवरी हो नेदर या इधर या नेदर हो, इसके बाद जो वर्ब आता है वो हमेशा क्या रहता है, सिंगुलर होता है, ठीक है, क्या रहता है, सिंगुलर रहेगा, इसके बाद जो वर्ब आएगा हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना, क्यों ईच और एवरी मतलब प्रत्येक या हर एक, ऐसे बात हो जा रहा है, तो जब ये वर्ड यूज करते हैं ईच स्टूडेंट, ऐसे मैं बोलूँ यहाँ पे बहुत सारे, तो मैं इसकी भी बात कर रहा हूँ, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, तो एक एक यूनिट के रूप में उसको काउंट करते हैं, ठीक है, नॉट एज अ होल, ठीक है, एक एक के रूप में काउंट कर रहे हैं, और एक एक ग्रुप में काउंट किए इसलिए उसको क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं, तो जो वर्ब भी लगाते हैं वो भी क्या लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं, ठीक है, तो ईच हो गया, एवरी हो गया, नीदर हो गया, नॉर हो गया, क्या लगेगा, सिंगुलर, इसके बाद जो वर्ब आए तो, ठीक, जैसे
एग्जाम्पल ईच स्टूडेंट डैज टू अ कार्ड हैज टू हैव टू, मतलब करना पड़ता है, हर स्टूडेंट को मेहनत करना पड़ता है, करना पड़ता है के लिए हैज या हैव अगर मैं दो ऑप्शन दूँ, ठीक है, हैज में देखो इसमें एस लगा हुआ है, ये सिंगुलर है, हैव प्लूरल है, मैंने बताया था वर्ब में एस लगेगा तो सिंगुलर, ईच स्टूडेंट, अब मैंने बोला यहाँ पे एक वर्ड दिख गया आपको कौन सा ईच, ठीक है ईच दिख गया, अब ईच दिखा मतलब इसके आगे जो वर्ब लगेगा ये तो नाउन है ना, ये नाउन है, स्टूडेंट नाउन है, ये जो वर्ब लगेगा वो क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, तो क्या होगा हैज, हैज सिंगुलर था, ठीक है ईच स्टूडेंट। अच्छा एक और चीज, स्टूडेंट होगा कि स्टूडेंट्स होगा, क्या होता है याद करो पुराना, हाँ स्टूडेंट बस होगा, स्टूडेंट्स नहीं होगा पक्का, और ये क्या होगा, स्टूडेंट होगा कि स्टूडेंट्स होगा, स वाला होगा कि बिना स वाला, एस वाला, ठीक है ध्यान रखिएगा, उस टाइम भी बताया था ईच स्टूडेंट होता है और ईच ऑफ द स्टूडेंट्स होता है, क्लियर, ईच स्टूडेंट होता है और ईच ऑफ द स्टूडेंट्स होता है, ठीक है, और जस्ट अपोजिट ये सही है, ये सही है, स्टूडेंट प्लूरल नहीं होगा, यहाँ पे क्या रहेगा सिंगुलर, ये प्लूरल रहेगा, ईच ऑफ द लिखे उसके बाद प्लूरल जाएगा, एवरी स्टूडेंट ये भी होता है एवरी स्टूडेंट, लेकिन एवरी ऑफ द स्टूडेंट नहीं होता, ठीक है एवरी ऑफ द स्टूडेंट नहीं होता, कारण इसलिए बस एक मोटा मोटी बता देता हूँ, ये ईच जो है एज अ प्रोनाउन भी काम करता है, एडजेक्टिव भी काम करता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, प्रोनाउन के रूप में काम नहीं करता, बस इतना ध्यान रखना, ईच स्टूडेंट होता है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स होता है, एवरी स्टूडेंट होता है, एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं होता, ठीक है एवरी ऑफ स्टूडेंट्स नहीं होता, तो सर अगर मेरे को लगाना हो जबरदस्ती तो यहाँ पे आप एवरी वन लगा दोगे तब चल जाएगा, लेकिन एवरी के साथ नहीं होता, ईच और एवरी में और क्या डिफरेंस था, ईच और एवरी में एक इंपॉर्टेंट चीज, जब दो लोग हों या दो से ज्यादा हों, मोर देन टू, तो ईच लगाते हैं, ठीक है, लेकिन तीन या तीन से ज्यादा हों, तीन या तीन से ज्यादा हों, ठीक है इक्वल टू और ग्रेटर देन तीन, ठीक है तो क्या लगाएंगे, एवरी लगाएंगे, ठीक, तो सर अगर मान के चलो जैसे राम श्याम और एक और बोल लो मोहन, अब मैं आगे बोलना चाह रहा हूँ ईच लगाऊं कि एवरी लगाऊं, सभी ने कॉपी लाया है, ईच ऑफ देम हैज ब्रॉट हिज कॉपी, ईच लगाऊं एवरी लगाऊं, तीन लोग हैं तो ईच भी लगा सकता हूँ एवरी भी लगा सकता हूँ, ईच तो दो किससे ज्यादा के लिए भी लगाया सकते हैं ना, ठीक है, लेकिन दो हो राम और श्याम ही हो, राम और श्याम ही हो तब केवल ईच लगाऊंगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, पहले भी बता चुका हूँ, ईच स्टूडेंट हैज टू वर्क हार्ड, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, इन पर भी ध्यान दिया करिए ना, यहाँ पे भी सब ग्रामर पूछा जाता है, एरर ये बारीक सा होता है, देखने पढ़ने सुनने में लगता है कि जो लिखा है सब सही है, होता नहीं है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज टू वर्क हार्ड की हैव टू वर्क हार्ड, हैज टू वर्क हार्ड, ईच लगा मतलब स्टूडेंट्स को देख के आप कंफ्यूज मत होना, है ना, एवरी वन इज टैलेंटेड या एवरी वन आर बॉर्न टैलेंटेड, ईच एवरी ये सब दिखा तो क्या लगेगा सिंगुलर, इधर ऑफ द टू बॉयज इज गिल्टी आर गिल्टी इज गिल्टी, ठीक है ये सब वर्ड दिख गए मतलब सिंगुलर नाउन, ईच मैन एंड ईच वुमेन डैश टू डाई वन डे, हैश टू की हैव टू, हैश टू डाई वन डे, सभी को मरना है, ये और लिखा हुआ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट देखो, यहाँ पे एंड से जोड़ दिए हम लोग, ईच के साथ एंड भी लगा हो तब भी वर्ब जो है सिंगुलर ही आएगा, ईच गर्ल एंड बॉय इन माई क्लास डैश वेरी टैलेंटेड इज वेरी टैलेंटेड, ठीक है ये नियम क्लियर क्या, ठीक है अब इस एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिएगा, राम्स फ्रेंड राम के दोस्त हैं, ठीक है राम के जो दोस्त हैं वो एज वेल एज, इसके बारे में पहले भी कहीं पढ़े क्या, अब भी देख के आए सेकेंड कंसेप्ट, ठीक है एज वेल एज लगता है तो जो पहला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब फॉर्म करता है, और उसके बाद ईच स्टूडेंट भी आ गया, अब ये भी एक नियम है और ये भी एक नियम है, ठीक है तो अब इसके किसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा, एज वेल एज के आगे की ईच के अकॉर्डिंग देखूं मैं किसके को, तो यहाँ पे देखो एज वेल एज पहले आ गया ईच बाद में, पहला प्राथमिकता किसको मिलना चाहिए,
एज वेल एज को, और एज वेल एज आ गया तो एज वेल एज आया मतलब। और यहाँ पे राम है कि राम के बहुत सारे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं बहुत सारे हैं, तो ये क्या लगेगा आर। ईच फ्रेंड देख के सिंगुलर मत लगा देना, इससे पहले भी और कोई शब्द है जो निर्णय कर ले रहा है, ठीक है। तो राम्स फ्रेंड्स आर वेरी टैलेंटेड। यहाँ पे एक और एग्जांपल देखो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल एज राम आर वेरी टैलेंटेड। अभी भी दोनों मौजूद है, ईच भी है और एज वेल एज भी है, ठीक है। लेकिन पहला कौन आ गया, ईच पहले प्राथमिकता, ईच को देखो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, और ईच के साथ हमेशा क्या लगता है, ईच लगता है, ठीक है। ईच और एवरी का डिफरेंस ये बता चुका हूं, ईच स्टूडेंट होता है और ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स होगा, ठीक। ईच प्रोनाउन के रूप में भी काम करता है, एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है, ये बता चुका हूँ। एवरी ऑफ द बॉयज नहीं होता, ईच ऑफ द बॉयज चल जाएगा, एवरी ऑफ द बॉयज नहीं होता, एवरी वन लगाना पड़ेगा तब, ठीक है। कंसेप्ट फाइव, ये भी प्रोनाउन में शायद कवर कर लिए होंगे, फिर से देखेंगे इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, हु इज दैट, इसके बारे में चर्चा किए थे क्या, कोरिलेशन बताते थे, ठीक है। वो आदमी जो वहाँ पे खड़ा है तो ये जो है, ठीक है। वो बुक जो वहाँ पे पड़ा है तो ये जो, ये सब जो यूज़ कर रहे हैं ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन इंग्लिश में हु इज दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन थे, ठीक। और ये हु इज दैट कब लगाते हैं, ये प्रोनाउन के अंतर्गत अच्छे से पढ़ लिए, ठीक। इंसान हो, कोई लिविंग बींग हो तो हु या हुम, नॉन लिविंग हो तो विच, दोनों के लिए दैट लगा सकते हैं, है ना। कुछ ही एक एक्सेप्शन थे जिसके बाद हम, हमको हमेशा दैट लगाना होता है, ना कि हूँ ना कि विच, ठीक, हमेशा दैट लगाना होता है। सोसा के फ्लाई करूँ वाला एक कोड बताया था, मन हो रहा है सोसा के फैलूँ, ठीक है। तो फिलहाल हम हूँ विच दैट कब लगाएंगे उसको नहीं देखेंगे, उसके आगे सिंगुलर लगेगा प्लूरल लगेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, शी इज वन ऑफ द वुमेन हु वर्किंग वेरी हार्ड, ठीक है। अब आपको दो चीजें दिखेंगी, एक तो वन दिखेगा और एक वुमेन भी दिखेंगे, वुमेन, ठीक है, बहुत ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा औरतें हैं, और यहाँ पे वन मतलब, ठीक है। अब बताइए इसके आगे हु भी लग गया, इज लगना चाहिए आर लगना चाहिए, अब आंसर देख के तो इजली जज कर लोगे आर ही बोलोगे, लेकिन कंसेप्ट क्या देखो, वो उन औरतों में से एक है जो क्या करती हैं, लिखा हुआ है वो जो बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं, तो बात की जा रही है बहुत ज्यादा जो बहुत सारी औरतें हैं जो मेहनत करती हैं, औरतें जो मेहनत करती, सभी औरत की बात करें, बहुत ज़्यादा जो मेहनत कर रही हैं जो औरतें हैं उनकी बात कर रही हैं। ये देखो, ये भी औरत, ये भी औरत, ये भी औरत, ये सब के सब क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनती हैं, ठीक है। तो उनमें से एक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। तो आगे जब ये हूँ लग गया, वर्किंग वेरी हार्ड, तो सिर्फ इसी की बात नहीं की जा रही है, इसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है, जो मेहनत करते हैं। तो इन लोग तो बहुत सारे लोग हैं, तो इज लगना चाहिए आर लगना चाहिए, आर लगना चाहिए, प्लूरल होगा, ठीक है। वुमेन जो मेहनत कर रहे हैं, तो वुमेन तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक। तो क्या लगेगा, आर वर्किंग, ठीक है। और अगर ध्यान रखिएगा, वन ऑफ द के बाद आगे प्लूरल नाउन आता है, ठीक है, और इसके आगे कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन हो, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब हु विच और दैट, तो उसके आगे वर्ब कैसा आएगा, ये भी प्लूरल वर्ब आएगा। कंसेप्ट समझा दिया, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं समझ आया होगा तो क्या करना है, ये नियम को देख लो, रट लो, ध्यान रखिए। एक और चीज याद रखिएगा, वन ऑफ द के बाद हमेशा नाउन जो आता है प्लूरल ही आएगा, जैसे वन ऑफ द बॉय की बॉयज, बॉयज, वन ऑफ माय फ्रेंड की फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, ठीक है। ये द हो या द के जगह कोई पोजेसिव प्रोनाउन आ जाए तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन आगे इसके आगे क्या होता है, ठीक है, प्लूरल नाउन होता है, इसको ध्यान रखना। तो नियम बता दिया मैं, क्या बोला, वन ऑफ द के आगे प्लूरल नाउन आता है, इसके आगे कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन हो, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब हु इज दैट, तो उसके आगे जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, प्लूरल वर्ब, वन ऑफ द, फिर क्या आएगा, प्लूरल नाउन ही रहेगा। और इसके आगे अगर रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो, अगर नहीं हो तो सिंगुलर वर्ब आता है, अगर रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो गया हो तो क्या आएगा, प्लूरल वर्ब, ठीक। इस एग्जांपल में बहुत सारी औरतों की बात की गई है, ठीक है। राम इज वन ऑफ द गॉड्स दैट डैश एवरी वन, दैट राम उन भगवानों में से एक है जो सबकी मदद करते हैं, भगवान बहुत सारे भगवान मदद करते हैं, राम उनमें से एक है, ओके, ठीक है। राम इज वन ऑफ द गॉड्स दैट हेल्प एवरी वन की हेल्प्स, अगर हेल्प्स लिख दूं तो एस लग गया, एस मतलब क्या हो गया, सिंगुलर,
लेकिन यहाँ पे क्या यूज करना है, प्लूरल। दिस इज वन ऑफ द बुक्स विच, बुक होगा कि बुक्स होगा, बुक्स ही होगा, ठीक है। विच नॉन लिविंग थिंग है तो उसके लिए विच लगाते हैं, राम है तो दैट और हु सब लगा सकते हैं, ठीक है। तो विच इज इंटरेस्टिंग, आर इंटरेस्टिंग, आर इंटरेस्टिंग। शी इज वन ऑफ द फ्यू पीपल हु डैश एडमायर्ड बाई एवरीवन, इज एडमायर्ड, आर एडमायर्ड, आर एडमायर्ड, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है ध्यान रखना, यदि हु इज दैट नहीं दिया गया है, इसका उपयोग नहीं किया गया है, तो वन ऑफ द, वन ऑफ ही हो, उस केस में वर्ब जो है वो सिंगुलर होता है। जैसे वन ऑफ हर सिस्टर, वन ऑफ हर सिस्टर्स इज अ डॉक्टर, आर डॉक्टर, इज डॉक्टर। अब यहां ध्यान देना, अगर मैं हूं लिख देता इसका मतलब वन ऑफ हर सिस्टर हूं इज डॉक्टर या हूं आर डॉक्टर, हूं आर डॉक्टर कहते हैं, मतलब उनके जो बहने, सभी बहने जो डॉक्टर हैं उनमें से किसी एक की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं हूं नहीं लगाया, वन ऑफ हर सिस्टर्स इज अ डॉक्टर, मतलब बहुत सारी बहनें हैं वो क्या करती नहीं मालूम, लेकिन इतने सारी बहनों में से उसकी जिसकी बात कर रहा हूँ, वन ऑफ हर सिस्टर्स, वो क्या है, वो डॉक्टर है, ये बताना चाह रहा, डिफरेंस समझ आ रहा है क्या, ठीक है। वन ऑफ हर सिस्टर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं यूज़ कर रहे हैं, मतलब ये जो बात हो रही इसके बारे में बात हो रही है। रिलेटिव प्रोनाउन हूँ और विच यूज़ कर देते हैं, मतलब जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो वन ऑफ हर सिस्टर्स इज या आर अ डॉक्टर, ठीक है, क्लियर। One of her dreams is या are to become a doctor. मैंने बोला हूँ, relative pronoun नहीं लगा होगा तो क्या use करना पड़ेगा आपको, singular verb, ठीक है, is to become a doctor, ठीक। अब देखिए वापस, one of the या one of लिखा हो, यहाँ पे plural noun ही रहेगा, ध्यान रखना noun हमेशा plural रहेगा, लेकिन जो verb आएगा वो singular। और यहीं पे, यहाँ पे अगर बीच में मैं डाल दूँ क्या, relative pronoun, तो ये singular की जगह क्या हो जाएगा, plural हो जाएगा, ठीक है। ओनली वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन आता है और उसके बाद भी सिंगुलर वर्ब रहता है, ठीक है। जहां ओनली वन होगा वहां वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। दिस इज ओनली वन ऑफ द बुक, वन ऑफ द बुक रिटन बाय हिम विच इज इंटरेस्टिंग, आर इंटरेस्टिंग, इज इंटरेस्टिंग, ठीक है। वन ऑफ अ डिजायर्स डैश टू गेट अ जॉब इज इन SBI, ये बुक्स होगा, है ना, क्लियर। ये नियम कानून यहां पे बताया हुआ है। देर आर मेनी बर्ड्स ऑन द ट्री, वन ऑफ द बर्ड्स इज रेड, सारे उसी कंसेप्ट के उदाहरण है, देख सकते हो आप, चेक। रिलेटिव प्रोनाउन लग गया प्लूरल वर्ब, नहीं लगता सिंगुलर वर्ब, रिलेटिव प्रोनाउन लग गया, एक मिनट, ओके, रिलेटिव प्रोनाउन लगने के बावजूद यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगा है, क्यों, क्योंकि ओनली वन यूज हो गया, ठीक है। ओनली वन अगर यूज हुआ हो, ओनली वन यूज हुआ हो तो आगे क्या यूज होगा, सिंगुलर वर्ब, किसी भी केस में, चाहे रिलेटिव प्रोनाउन लगा हो या ना लगा हो, ठीक है, सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा। ऊपर यही नियम देखें, ओनली वन लगा होगा वहां पे वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, चाहे रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो या फिर ना हो। रीना इज द ओनली वन ऑफ द गर्ल्स हु हैज एवर बीन टू इंडिया, ठीक है। ये कंसेप्ट खत्म, पांचवा कंसेप्ट, छठवें कंसेप्ट की बात करते हैं। वन थर्ड ऑफ द पीपल, टू थर्ड ऑफ द पीपल इज आर, इज आर क्या होना चाहिए बताओ, आर किल्ड, वन ऑफ द पीपल आर किल्ड, और वन ऑफ द, वन थर्ड ऑफ सिटी आर डिस्ट्रॉयड, आर ही आएगा, ठीक। देखो वन थर्ड ऑफ द पीपल यहां पे आएगा आर, वन थर्ड ऑफ द पीपल आर किल्ड, जहां पे भी ऐसे फ्रैक्शन आए, ठीक है, ध्यान रखना फ्रैक्शन आए, वन थर्ड, वन फोर्थ, वन फिफ्थ, क्या हो गया, फ्रैक्शन आ गया, या परसेंटेज आए, ठीक है, तो हमेशा इज आएगा कि आर आएगा, गलत, हमेशा नहीं, डिपेंड करता है, ठीक है। फ्रैक्शन हो या परसेंटेज हो, ठीक है, फ्रैक्शन हो या परसेंटेज हो, ध्यान रखना इधर ये जो सब्जेक्ट यूज हो रहा है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। पीपल लोग क्या होते हैं, बहुत सारे लोग, प्लूरल होता ही नहीं, है ना। और सिटी, सिटीज तो नहीं बोला, सिटी है,
ठीक है, और पीपल मतलब लोग, बहुत सारे लोग ही होते हैं, ठीक है, और सिटी मतलब एक सिटी, तो ये सिंगुलर हो गया और ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो भैया बहुत सारे का भी एक तिहाई एक चौथाई करो तो भी वो प्लूरल होगा, और सिंगुलर का भी एक चौथाई एक तिहाई करो तो वो भी सिंगुलर ही होगा। तो ध्यान देना है इसकी बात, इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। वन थर्ड ऑफ द पीपल, वन थर्ड ऑफ पीपल या टू थर्ड ऑफ पीपल आर किल्ड या इज किल्ड, आर किल्ड, लेकिन वन थर्ड ऑफ सिटी इज डिस्ट्रॉयड की आर डिस्ट्रॉयड, इज डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ध्यान रखेगा। अगर वन थर्ड की जगह 33% लिख देता तो इज की आर सिटी में इजी होता, वन थर्ड रहे, फ्रैक्शन रहे, परसेंटेज रहे, देखो ऊपर के में आ रहा, नीचे के में इज इज। पीपल प्लूरल है तो उसका वन थर्ड भी प्लूरल होगा, टू थर्ड भी प्लूरल होगा, ऐसी सिटी सिंगुलर है तो उसका वन थर्ड भी सिंगुलर काउंट करेंगे। कंसेप्ट क्या बोलता है जो मैंने बता दिया, जब हम किसी फ्रैक्शन या परसेंटेज की बात करते हैं तब इसमें वर्ब जिस चीज का हिस्सा है उसके हिसाब से आती है, ना कि फ्रैक्शन या परसेंटेज के हिसाब से। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो पीपल सिटी, ये जो वर्ब किस चीज़ का हिस्सा, पीपल का, यहाँ पे वर्ब किस चीज़ का हिस्सा है, सिटी का, और इसको देखना ये नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है। जैसे 33% ऑफ द केक, अब केक सिंगुलर ही होगा है ना, इज ईटन आर ईटन इज ईटन, चाहे उसका 33 खाओ पूरा खाओ, ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट, 6 इजी था। पीस रहता तो भी ईज रहता, ठीक है, क्लियर। कितना मीटर ग्राउंडिंग हुआ तब, 25, ठीक, ऑफ कर दो।